चीजें वो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बस जो वक्त है साथ उसको एंजॉय कीजिए, ना कल का पता ना आज का पता, जो पल है उसे जी लीजिए। देखिए ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। प्लीज स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और तालियां बजा दीजिए पब्लिक। थैंक यू सर। थैंक यू बनाया है क्योंकि ग्लैमरस की जो दुनिया है, अगर मैं कहूँ कि टीचर है और आज के हमारे जो तीन गेस्ट हैं वो टीचर हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टीचर्स लोगों को भी, यानी कि जिनका माइंड ब्यूटीफुल होता है, ऐसे लोगों को भी मॉडलिंग शो में चीफ गेस्ट बनाया गया है। तो आई एम सो ग्लैड अबाउट इट, अच्छा लग रहा है मुझे इस चीज का। हालांकि जो सुंदरता होती है किसी की माइंड से रिलेटेड होती है, किसी की फेस से रिलेटेड होती है, पर वो लोग सम्मान के काबिल होते हैं जिनका माइंड भी ब्यूटीफुल होता है और फेस भी ब्यूटीफुल होता है। तो जोरदार तालियां सुनो सभी पार्टिसिपेंट के लिए जो आज के प्रोग्राम में सहभागी हो पड़े। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सर। मैं ये चाहता हूँ कि सर कुछ लोग हैं जो प्रोग्राम के आरंभ होने से पहले अपनी विदाई चाहते हैं, तो खास चीज रही होगी कोई, क्योंकि कहते ना कि एक चीज को छोड़ने के लिए दूसरी अगर ज्यादा अवेलेबल है तो ऑप्शन देना पड़ता है। सभी के लिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि अपने तालियों के साथ उनका स्वागत करते रहें और उनकी उपस्थिति को खूबसूरत बनाते रहें। एक बार जोड़ ताली से स्वागत चाहूंगा मैं अंशिका तिवारी जी के लिए। शी इज एन एक्ट्रेस, यह एक अभिनेत्री है। स्वागत और अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ स्वागत चाहूंगा हमारे अतिथि के गमों को भरने पर जमाने को भूल जा गया है, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। मैं आपसे पूरे कहना चाहता हूँ कि ये जो समान है इसको सुंदर बना दीजिए अपनी तालियों के साथ। प्लीज आपसे निवेदन है कि तालियां बजती रहे। मैं चाहूंगा कि एक बार जब तालियों स्वागत करेंगे हमारे अतिथि का एक छोटी सिटी होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर जो उनका प्रोडक्शन है इको ग्रुप्स, तो सीरियल्स हैं, सॉन्ग्स हैं, इतना यहाँ के बच्चों को इतना ब्रेक देते हैं, वो आगे लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि छोटी सिटी से जो टैलेंट को निकालते हैं कि टैली के बच्चे आगे बढ़ गए, नोएडा के बच्चे आगे बढ़ गए, और जो छोटी सिटीज के बच्चे वो यहीं के यहीं रह जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उनको उतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता। तो ये देख के अच्छा लगता है कि वो यहाँ के अपने कार्यभार को निभाएं और हमें उम्मीद है कि आपकी जो हो चुकी है, क्योंकि टीचर्स होते हैं ना वो राइट टाइम जाना सीख जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि टीचर राइट टाइम अगर स्कूल में नहीं पहुंचेगा तो आगे दूसरी दिक्कत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर के कि उन्होंने राइट टाइम पे हमें एंट्री करी। सर सर एक मिनट का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आने का। और मैं आपके लिए ही ईश्वर से दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये उन बच्चों को आगे भर्ती करके जाएगा। और आप मैं यही कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सफलता की सीढ़ियाँ से चढ़ते हैं। धन्यवाद। जीवन बदल रहा है बंदे सब तेरी मेहनत जुनून, रब रखा तो रंग लाएगा बदनों का तेरा बहता खून। ओ मेरे रबा बदलता जीवन तू, ओ मेरे मौला बदलता जीवन तू। ये टाइटल सॉन्ग देखने के बाद बहुत गर्वित महसूस हुआ कि जब बड़े पर्दे पे चला तो अपना नाम उस पे देख करके कि रिटेन एंड सिंगिंग बाय डीएस तमन्ना, आंखों से आंसू निकल आए।
क्योंकि जिस सिनेमा हॉल में जाने से हमारे फादर हमें रोका करते थे और आज इसी पढ़ते पढ़ते पे हमारा नाम आ रहा है, तो लॉट ऑफ थैंक्स टू खुर्जा और लॉट ऑफ थैंक्स टू विपिन सिसोदिया कि उन्होंने इस नाम को भी इस्तेमाल किया, उनको वहाँ पे लिख दिया जहाँ मैं कभी काबिल नहीं था, मैं किसान का बेटा। मुझे एक लिखने का मौका मिला था और एक गाना हमारे पीएसआर का था उसमें सोनी बुढ़ी, जैसा कि अभी पीएसआर कह रहे थे कि भाई मुझे भी कोई मौका दिया जाए, लेकिन मैं उनका ये कहूँगा कि सर का लिखा हुआ गाना जरूर सुना प्लीज। सर ये मेरी बिल्कुल आदत के विपरीत था, गाने को पर फिर भी उसमें वो चीज लानी थी कि जो ग्लैमरस था, उसमें जो लड़की डांस करेगी वो इस तरह के लिबास था उसका, तो उसको रखा गया तो प्रभावित था कि गाने से उसकी उसको लेकर के मैंने थोड़ा सा मेहनत की उसमें, तो इस तरह से था। मैं आपको बताऊं
आशु जी बहुत दूर से चल के आए हैं, आशु भूषण जी, और हमारा सौभाग्य है कि अभी उत्तर जी के साथ में भी गाना रहा है इनके, बहुत सारे गाने कर चुकी हैं अब तक, और जल्द ही इनको फिल्म प्रोडक्शन भी गाना है मैडम के साथ लेकर के आएंगे। हमारे बीच बैठे मेरे स्टाफ के कुछ लोग हैं हमारे, आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शिवम जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, और सौरभ जी स्पेशल धन्यवाद आप सभी का, मेरी टीम के जो आज यहाँ बैठे हैं। रवि पाल प्लीज कम ऑन द स्टेज, हुआ है तो जी हाँ दोस्तों आपकी बुकिंग लेकर सम्मानित करेंगे। ये मन धीरे धीरे कलाकारों से भरने वाला है और अनेक कलाकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सभी आपस में एक दूसरे से एक अच्छा तन शर्मा जी युवा बैठो अपना कुछ अनुभव हम लोगों के साथ साझा करें, हम अच्छे रहेंगे। तालियां तो बतानी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरी प्यार भरी नम्रता और ईगो फिल्म प्रोडक्शन की टीम और विपिन सर को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक बार फिर बुलाया, फिर इतना प्यार और सम्मान दिया, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं विपिन सर का, जिन्होंने मुझे हमारे मंच पर आ रहे अतिथियों का स्वागत करेंगे तालियों के साथ, आपकी तालियों में कहीं कमी नजर आ रही है। थैंक यू सो मच क्योंकि
जो बच्चा फीस दे सकता है उसको उसकी अहमियत नहीं होती है, जो बच्चे फीस देते हैं उसको अहमियत नहीं होती कि हम वहाँ जाएं या हमें ये चीज मिले वो चीज मिले या टीवी पे नाम करें, बट जो बच्चा फीस नहीं दे पाता वो मेहनत पूरी करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी खुर्जा से हो या खुर्जा से बाहर से हो, अगर वो सीखना चाहता है तो उसको फ्री में भी सिखाने को तैयार हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस मिस्टर एंड मिस डायमंड फैशन ब्यूटी मॉर्निंग शो में आप सभी स्थिति का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को सफल और खूबसूरत बनाएगी। साधक नाम मिस्टर ब्यूटी अभी 2021 में बने हैं IBBF के द्वारा। तो आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अपना कीमती समय आपने काटकर लाए हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारे कलाकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। सबसे पहले मुझे आए हुए अतिथि का ये जो सभी सम्मानित पूर्व और मेरे इको फिल्म प्रोडक्शन नितिन जी, लक्की जी, बसंत जी और हमारे सभी भाइयों सबका तहे दिल से स्वागत है। और मैं तारीख की कमी नहीं है, घर घर हर बच्चा कलाकार है, बस टैलेंट की पता नहीं लगी। अब मैं हूँ भैया देख रहा होगा देश की खबर की तरफ बैठता है, कोई दिक्कत नहीं विपिन जी को बाहर जाकर देखेंगे तो कहेंगे वो वेल्स गाइस जिनकर में। अभी हमारी अंशिका जी है, देखो हंस रही है। हेलो, हंस रही है, देखो कैसे हंस रही है। तो हमें भी लग रहा कहीं बाहर मिल जाए तो कोई नहीं कहेगा भैया, एक तरह अपनी पहचान अपने आप को बनानी पड़ती है ना कि कोई और बनाए। तो भैया छोटा कर रही है क्योंकि जितना दर्द और जितना कठिनाई आज मुझे यहाँ तक तो भैया एक कॉमेडी के साथ मैं सभी भाइयों को रुआते हुए, भैया ये तो कह रहे थे हंसाते हुए, तो मैं रुआते हुए जो तब रोल लगे हंसता को भैया सारे हाथ में भैया हम रुए थे। डेढ़ की बात है भैया, हमारे जो अभी टीचर जी बैठे थे उनको देख के कॉमेडी याद सी आ गई। उन्होंने एक संस्था चलाई जैसे कि यूपी जी ने चलाई थी, भाई कोई फैशन में आना चाहता हो तो फैशन में भी आ सके, पर उन्होंने संस्था चलाई कि बड़े बुजुर्ग पढ़ेंगे जैसे कि हमारे बसंत जी हो जाए पढ़ने के लिए तैयार, ऐसे ही कोई मेरे सवाल का बुढ़ा ठेरे इंसान भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। मको मको हम तो पढ़ने को तैयार है भैया, उम्र बचपन की तो भैया मन बचपन में के जानवर पढ़ लेंगे फ्री और कुछ भी चीज फ्री मिले तो ले लेंगे, कोई नुकसान नहीं है भैया। तो भैया मास्टर जी आ गए स्कूल तैयार, बिल्कुल मास्टर जी गए इधर इधर। अब हमर बसंत जी आज इन जगह से ही तोड़ अलग ही है, हमर बसंत जी कह रहे हैं मगो देखिए बसंत भैया यू तो हम कह पहले को हो जाए है अब हाँ हमारा सी फैल होती इन्होंने कह लीजिए भी है बसंत तो आप बता देखिए ये मास्टर को जाते नाव कट दो यह कट दो तो फिर हमको आकर है हम वही मानेंगे आने से उसके इसको बोलते हैं ए मगर भैया जैर तक बात होगी हमारी, अगले दिन क्लास चली ए फोर एप्पल, अब हमारे पसंद कह रहे जी मगो ए फोर एप्पल मैं दांत नहीं रहे उस टाइम को कहा दो एप्पल बोलना जा रहा हूँ बी फोर बॉय मैं कह लगो मगो पाए तो हो रही है या पान में जाते ही पाए चल लिया आज कल कोई दिक्कत ना कोई दवा है क्या मास्टर जी तुम बता दिए दवा हो तो भैया उन्होंने कोई दवा नहीं बताई कह लगा सी फोर के मगो ऐसा लगे तेरी माँ का खैर। भैया बात खत्म होली कोई बात नहीं की M4 मंकी अब M4 मंकी दी की अब मंकी भी आगे समझ में पर हमारे मुंह से नहीं निकला। अगले दिन आ गया A4 आंसू की बहू जब उसे नहीं समझ में आ रहा तो कैसा पढ़ावे नाम तो बहू के सब ले A4 आंसू की बहू
Thank you.
जी के लिए सर। सर साड़ियों में खूबसूरत नीली साड़ी की ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। गाना मैंने सिंगिंग किया है 1-0 वाला जाने में अगर आप नीली साड़ी पहनते हैं। अच्छा यार मुझे आगे से बोलेंगे जब मैं गाना बताए साड़ी ऊपर तो मुझे जरूर ले बेट करूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि सर ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना साल रिस्पेक्ट दिया मुझे पिछले वर्षों में भी दिया था और अब की बात भी। तो एक दो चारों का तो आम भी तोड़ दिया हो गया। Yes, yes, I agree.